हेलो दोस्तों, मैं हूं केआर मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरजी नॉलेज में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, केवल 7 सब्सक्राइबर कम हैं हाफ के होने में। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना कि 500 होने वाला है मेरा, ठीक है, सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कड़ी मेहनत 2 सालों के बाद ये देखने को मिल रहा है। कुछ लोग तो 10 दिन 15 दिन में, या कहने का मतलब 1 महीने के अंदर ही कर लेते हैं अपना वॉच टाइम ही पूरा। मेरा नहीं हो पाया, मुझे खेद नहीं है, हालांकि मैं पढ़ाई पीरियड में था। अब जाके मैं वीडियो कंटिन्यू किया हूँ, लगातार डालना अपलोड करना, तो आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जल्दी से हाफ के भी पूरा करवा दीजिए। उससे पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, और जल्दी से फुल के करवाइए ना, फुल के मतलब 1K करा दीजिए, मोनेटाइज हो जाए जल्दी से हम, और थोड़ा सा शेयर और कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मिला इतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। मैं भी आप लोगों के हर कमेंट को लाइक करता हूँ, सभी का जवाब देता हूँ, यहाँ तक कि अपना नंबर भी दे देता हूँ, आप लोग जानते हैं, सबसे बातें भी कर देता हूँ मैं। कोई भी क्वेरी हो आप पूछते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ, चाहे कोई भी हो, कठिन से कठिन हो, जिनको नहीं जानता उनको कॉलेज पे पता करके मैं पता करता हूँ उस चीज़ों को, बताता ज़रूर हूँ लेकिन, ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे भी, और मैं भी आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक ये है कि क्या हॉस्टल में वेजिटेरियन से संबंधित खाना बनता है, कि कुछ अलग है क्या, उसमें क्या अलग चीज़ें भी आती है क्या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट आया था। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, किसी भी हॉस्टल में सभी हॉस्टल वेजिटेरियन चीज़ें ही बनाते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन चीज़ें ही बनाती है, ठीक है, किसी भी हॉस्टल में। हाँ, अगर आपको कुछ खाना है, ठीक है, अलग से, जैसे नॉन में, ठीक है, तो आप कुछ भी अलग से खाना है तो वो आप खुद बना सकते हैं रूम पे, ठीक है, उन्हीं हॉस्टलों में। लेकिन ये हॉस्टल का कोई ये सख्त नियम नहीं रहता कि आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ, पूरे हॉस्टल को पता भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप आराम से ला के बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन हर जगह नहीं, कहीं 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 पाबंदियाँ होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पर्टिकुलर पे हैं, किसी सख्त पे, तो थोड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे किसी भी हॉस्टल में, तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ के बच्चों में क्या होता है, वो सब आप जान जाएंगे, तो अलग बात है। लेकिन सभी हॉस्टल वेजिटेरियन भी देते हैं। अब महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर के इंजीनियरिंग संस्था है, जो आप जैसा कि जान ही रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक में क्या है, क्या वहाँ का खाना क्या है। देखिए भाई लोग, आप देखिए, इसका तो प्रॉपर प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ भी जानना है तो मेरा प्ले लिस्ट ज़रूर देख लीजिए एक बार, सभी चीज़ें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसका हॉस्टल डिटेल मैं दिया हूँ, हॉस्टल का फीस से लेके मेस कैंटीन क्या क्या है, सारी सुविधाएँ, पेयजल क्या है, इसमें सारी चीज़ें हैं, रूम कैसा है, रूम में कितने लोग रह सकते हैं, सारी चीज़ें बताया हूँ। बात करते हैं यहाँ के खाने के बारे में, तो खाने के भी बारे में भी बताया हूँ, लेकिन ये बता दे रहा हूँ ये भी वेजिटेरियन ही है। यहाँ तो और सख्त नियम है, योगी जी का कॉलेज है, यहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें था, बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। बाकी आप तो कुछ लोग तो जानते ही होंगे कि हॉस्टल में वेजिटेरियन ही रहते हैं, लेकिन कमेंट आया था तो इसका जवाब मैं ज़रूरी देना समझा। बाकी आप सारी चीज़ें जानते ही हैं, चैनल पे इतने सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे ही कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ही दीजिए ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।